अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या मी बजो वहां पे भी नहीं है। करे? अरे वो राफिया, राफिया की तरफ मैं चली गई हूँ, पता करो जरा। हेलो, सलाम अलैकुम राफिया बाजी। जी मैं ठीक हूँ। वो बजो आपकी तरफ आई है क्या? नहीं आई? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। मी बजो वहां भी नहीं है। अब मैं किसी को फोन नहीं कर रही, लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। बच्चों घर से चली गई है, हमें पता भी नहीं है। क्या करूं बताया? वो जो उसकी दोस्त थी, क्या अजीब सा नाम था उसका, शाह, शाह, शाह को फोन करो। अम्मी बस कर दें, बस कर दें। उस मक्कार लड़की की तो मुझसे बात ही मत करें। ये उसी की सोबत का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया जो बिल्ली की तरह यहां से वहां चक्कर काट रही है? अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी? अरे वो मैं कह रही थी शराफत को। पता है भाई, शराफत हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, सारी दुनिया को पता है मैं बहुत शरीफ हूँ। उससे बात भी तो कोई बात होती है ना। आगे बढ़ो ना, हुआ क्या है? फरहाद ने वफा को तलाक दे दिया, पता नहीं कहाँ चली गई घर छोड़ के। अरे जहन्नुम में जाए मेरी तरह से, मगर बोलो उसे इधर उधर का रुख नहीं करे। हाँ वरना एक एक बोटी करके ना उसकी चील कबों को खिला दूंगा मैं, समझी तुम? जहन्नुम कैसी बातें कर रहे हैं, बेटी है वो हमारी। में जैसी बेटी, जहन्नुम में जैसी बेटी से नागन बन के अपने बाप को डसे। मुझे कोई शौक नहीं है नाक बंद करके लंबी लंबी सांसें लूं। मर जाए, खप जाए, ना उसको कंधा दूंगा ना उसके जनाजे पर पैसे खर्च करूंगा। हाँ, अगर तुम्हारी लाडली तुम्हें मिले ना तो उसको समझा देना इधर का रुख नहीं करे, वरना तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। और कसम से अगर उसने इधर का रुख किया ना उसके हाथ पांव तोड़कर उसे भीख नहीं मंगवाई तो शराफत नाम नहीं मेरा, शराफत नाम नहीं मेरा। हेलो, अबे मजाजी खुदा आया तेरा, तेरे सर का राज आया। इसे खाने का पूछ, इतना बेचारा मुशक्कत करके आएगा। वही औरतों वाली बात, जैसे ही मैं रुमाल बांध लिया मेरे पैसे अकेली खाई जाएगी। लाने ऐसी बेटी पे जो पैसों के लिए अपने बाप से दुश्मनी मरे, नागन कहीं की। बेटा मेरा जाएगा तुम्हारा मरे, मेरा बेटा मरे तो पैसे भी तो मुझे मिलने चाहिए ना, समझ लीजिए इसको मैं पैसे खा लेने दूंगा।